तो भाई अब आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में बचे हैं 20 से भी कम दिन, मतलब 20 दिन मान के चलो। और अब भी बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर हमने जो अपने साल की शुरुआत में एक सपना देखा था कि हम अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में 98% ला रहे होंगे, क्या सर वो हमारा सपना अब बच सकता है या नहीं बच सकता है, क्या हम अब से पढ़ के कायदे से क्या हम अगले 20 दिनों के अंदर 98% फोड़ सकते हैं या नहीं फोड़ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में ये चीज पता लगाते हैं। वेलकम एवरीवन टू दी चैनल। और भाई आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं अगले 21 दिन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अगर तुम्हें सैंपल पेपर करना है तो नहीं करना है या करना है तो करना है कैसे करना है, PYQs का यूज क्या है और दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फेवरेट अनफेवरेट वाली स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे अपनाने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं अगले 20 दिन की। तो भाई क्लास 8 98% फ्रॉम नाउ अब से पढ़ेंगे तो क्या यह पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो कैसा, अगर नहीं है तो भैया क्यों। देखो सबसे पहली बात, अब मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं करना चाहता लेकिन भाई अब टाइम कम है, पॉसिबिलिटी जो इस परसेंटेज की है वो है भी या नहीं भी है। देखो भाई अगर तुम अब तक अपने क्लास 10th के अंदर अगर तुम 80% पे पहुंच चुके हो या तुम मान लो 70% पे हो तो ये मत सोचो मुझे 0 से 90% लाना है, ना 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 ना। अब हमारी अगले 20 दिन की तैयारी क्या होगी कि तुम 80% ला सकते हो, तुम्हारे क्लास 10 में 80% आ सकते हैं, अब हमें 80 से तुम्हें बस 20% और बढ़ा देना है, सॉरी 20% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा हमें तुम्हें कुछ 18-19% बढ़ा देना है, ठीक है मान ले तू 15%, ठीक है अच्छा सर तो 15% या 18-19% की हमें तैयारी करनी है अगर 98% हमें लेके आना है, ठीक है। तो हम इस 15% की तैयारी कैसे करें, पॉसिबल है या नहीं। देखो अगर तुम इस 15% के लिए तैयारी करोगे तो पॉसिबल है, अगर 15 नहीं तुम 98% के लिए सोचो तैयारी करना तो भाई पॉसिबिलिटी नहीं है, खत्म, टाइम हो गया, टाइम अब नहीं है। तो सर कैसे 15% की तैयारी कैसे करना है या 25% की तैयारी कैसे करना है, अगर तुम 70% पे हो, अगर तुम 60 पे हो तो 35% की तैयारी कैसे करके करना है। देख भाई सबसे पहले तो कितना पढ़े तू स्कोर 98%, अब सबसे पहली बात भाई एनसीईआरटी छोड़ दे, एनसीईआरटी की अब बस नहीं है, अब एनसीईआरटी नहीं तुम्हें पढ़ना है नोट्स, तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है नोट्स। नोट्स कहां है, नोट्स सर मैंने सारे आपके प्रोवाइड कर दिए, लिंक दी जो भी मैं कुछ बचाऊंगा सारे कोई लिंक दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगी, तो सुन लो पहले पूरी स्ट्रेटजी, नोट्स पढ़ना है आप तुम्हें, ये मैंने बेहतरीन नोट्स बना दिए, एनसीईआरटी इसमें इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है, कैसे ये जो इस नोट्स को पढ़ोगे तो इसमें रेड मार्कर करके कुछ पॉइंट्स होंगे, रेड से रेड पेन से लिखे हुए पॉइंट्स होंगे, वो सारे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए टॉपिक्स हैं। अच्छा सर अब तुम्हें लॉन्ग लेक्चर नहीं शॉर्ट लेक्चर्स देखने हैं, हाँ तो तुम्हें एक बात पता, अगर तुम एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर के ऊपर 10-10 घंटे के लेक्चर देख रहोगे तो क्या काम होगा, तुम 15% नहीं तुम 5% की तैयारी नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें अब जो लेक्चर्स देखने वो शॉर्ट और क्रिप्स देखने। और मैं नहीं समझता हूं कि भाई तुम्हारे अपने चैनल से ज्यादा किसी ने शॉर्ट और क्रिप्स लेक्चर डाल रखे हैं, साइंस का 1 वीडियो, SST 1 वीडियो, साइंस 8 घंटे में हमने कवर करा रखी है पूरी, SST 6 घंटे के अंदर, हिंदी AB दोनों हमने 1.5 और 2 घंटे के अंदर कवर करा रखी है, इंग्लिश इन 1 वीडियो 3 घंटे के अंदर, ग्रामर हमने 34 मिनट के अंदर, इससे ज्यादा शॉर्ट और क्रिप्स क्या होगा सर, मैथमेटिक्स वो आपको करना होगा, ठीक है। हाँ अब आपको करना क्या है भाई, 10 घंटे डेली पढ़ाई करना है लेकिन स्लीप में कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग बहुत तेजी से काम करना चाहिए, और ये कब होगा, ये तब होगा जब तुम सो बहुत अच्छी तरीके से रहोगे। देखो जितने जितने हमारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुए हैं, जितने अच्छे हमारे लोग हुए हैं, वो ज्यादा सोते हैं, क्यों, क्योंकि भाई साहब दिमाग जब तुम सोते हो तो चीजों को फीड करता है अपने अंदर, चीजों को याद करता है अपने अंदर, तो इसलिए तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम ज्यादा सो, और जो होता है अपना 7 घंटे तो एटलीस्ट भाई अपनी स्लीप कवर कर ही रहे हो, 7 से 8 घंटे अपनी डेली स्लीप लो, और उतनी ज्यादा पढ़ाई करनी है 10 घंटे की अब हमें पढ़ाई करनी है। अच्छा सर एक और डाउट है, क्या हमें सैंपल पेपर करना है या नहीं करना है, क्योंकि देख भाई सैंपल पेपर में मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताऊं, क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस मिलती है, हाँ टाइम भी लगता है, हाँ 3 घंटे का सैंपल पेपर होता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलती। अब अगर मेरी मानो बात, क्योंकि देखो मैं क्यों कह रहा हूं, PYQs को तुम्हें करना है, सैंपल पेपर को नहीं करना है। सर कैसे, सैंपल क्वेश्चन पेपर नए पैटर्न पे है, उसमें आने वाले क्वेश्चंस का चांस बोर्ड के अंदर कम है, क्या बोर्ड में उसी के जैसे क्वेश्चंस आए या वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, और टाइम ज्यादा लगता है, हाँ बिल्कुल सही बात है सर, PYQs में PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, चांस ज्यादा है रिपीट हो जाए, ठीक है चांस ज्यादा है रिपीट हो जाए, और टाइम भी उसमें कम लगता है। भाई जितने सारे PYQs है ना, साइंस के, SST के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, मैंने सारे की लिंक भाई साहब डिस्क्रिप्शन में दे दिए, डायरेक्ट PDF लिंक है, तुम जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है सर। अब हमारा डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, भाई डेली टाइम टेबल देखो मैं जो होता है इसमें एक
मेथड फॉलो करने वाला हूं जिससे तुम्हें मजा आ जाएगा, आग लग जाएगी अंदर। क्या कि भैया मॉर्निंग आप स्टार्ट करोगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट के साथ, 6 बजे से 10 बजे तक जैसे तुम पढ़ लोगे, ठीक है, 6 बजे से 7-8-9 बजे तक तुम पढ़ लो, ठीक है, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फेवरेट सब्जेक्ट से पढ़ना है, लेकिन लोग तो कहते हैं टफ पढ़ना है। ना, दिन की शुरुआत करो बढ़िया, एकदम मन को खुशी से आ जाए, जो तुम्हें फेवरेट सब्जेक्ट है वो पढ़ो। उसके बाद में तुम्हें करना क्या है भाई, टफ सब्जेक्ट उठा लेना है 10 बजे से 12 बजे तक, 1-2 घंटे, ज्यादा टाइम नहीं देना इसको, 1-2 घंटे, दिमाग एकदम झटका जाएगा, ओहो भाई साहब ये क्या हुआ, हमारा टफ सब्जेक्ट आ गया। अब टफ सब्जेक्ट में जैसी दिमाग परेशान हुआ, तुम फिर आ जाओ फेवरेट सब्जेक्ट पे अपने, 2 बजे से फिर फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने लगो, या 1 बजे से 12 से 2 बजे तक एक फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ लो, तुम्हारी कोचिंग वगैरह भी होंगी, स्कूल अब किसी को जाने की जरूरत नहीं है भाई। अब जो स्कूल जा रहा है ना, वो अपनी अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपनी परसेंटेज के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुम्हें अगर स्कूल आप जा रहे हो तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है। अब टाइम है तुम्हारी सेल्फ स्टडी करने का, ठीक है, तो भाई ये तुम्हारा वो टाइम है जब तुम्हें खुद बैठ कर रगड़ना है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं मामले में। तो स्कूल अगर तुम जा रहे हो तो भाई भूल जाओ 98% भूल जाओ, ठीक है, सब भूल जाओ, 60% लेके खुश रहो, ठीक है। अब फेवरेट सब्जेक्ट उठा लेना 2 बजे, अच्छा फिर दिमाग एकदम अच्छा हो गया, आहा मजा आ गया, फिर टफ सब्जेक्ट उठा लिया 8 बजे, फिर दिमाग जो होता थोड़ा सा परेशान होगा, ओहो दो से तीन से चार बजे तक तुमने टफ सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो रात के अंदर, मजा आ जाएगा। हाँ सर, तो ये तुम्हें मेथड फॉलो करना है, तुम फेवरेट और अनफेवरेट का मेथड फॉलो कर सकते हो। अगर तुम ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, बिलीव मानो जितना मैंने बता दिया, जितना तुम्हारी सारी वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं, जितना मैंने बता दिया, प्लीज़ अगर इतने को तुम फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा मज़ा आ जाएगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अब अगर आप नए आ रहे हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपका नया चैनल है तो प्लीज़ इसको अपना सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, अपने अपने दोस्तों में शेयर करिए, प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो जिससे कि औरों तक भी यूट्यूब इसको प्रमोट करे, ठीक है। प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करना, और अगर ये प्लान फॉलो करने के लिए तैयार हो तो इन दी कमेंट सेक्शन करो भाई आई एक्सेप्ट इट, एंड देखते हैं भाई कितने लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। और हाँ, तुम्हारा 98% कोई बड़ी बात नहीं है, सही लोग सही मेहनत सही ढंग से करोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।